भारत बंद में आज पटना के सड़कों पे भी प्रोटेस्ट दिख रहा है। लगातार जो लोग हैं वो छोटे छोटे टुकड़ियों में जाके शहर बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, और पूरे बिहार से इस तरह के प्रोटेस्ट मार्च देखे जा रहे हैं। जगह जगह पे लोगों ने सड़कों पे ट्रैफिक जो है वो बाधित किया है, और इस तरह की टुकड़ियां जो हैं वो पटना में भी विभिन्न इलाकों में सड़कों पे दिख रही हैं, जिसके कारण पटना में एक जगह पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा रोड क्लियर कराने के लिए। और ये विरोध जो है, ये क्रीमी लेयर की जो टिप्पणी आई है सुप्रीम कोर्ट की, उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट है। पर लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद है जो यहाँ पर आज भारत बंद को लेकर के ही प्रदर्शन कर रहे हैं। खास तौर पर इन लोगों ने भी इस बात पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। तो देखिए फिलहाल यहाँ पर भी जंतर मंतर पर ये लोग मौजूद हैं और ऐसे तमाम लोग हैं जो फिलहाल इस फैसले को वापस लेने की मांगे लगातार कर रहे हैं। ऐसे में देखना ये जरूरी होगा कि भारत बंद जो है आज के लिए किया गया है खासतौर पर दिल्ली पर, इसका सीधा कुछ खास असर अभी पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कोर्ट के खिलाफ ये प्रोटेस्ट चल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सैकड़ों लोग मौजूद हैं यहाँ पर। खासकर ज़्यादातर हम लोग बसपा के कार्यकर्ता देख रहे हैं। बसपा की सुप्रीमो मायावती शुरू से ही इस फैसले के खिलाफ रही हैं और उनका कहना है कि कानून संसद में लाया जाए इसको ठीक करने के लिए, इसको बदलने के लिए कानून संसद में लाया जाए। आप देख सकते हैं सब के सब जो हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठा हुआ है हजरतगंज के अंदर। और ये प्रोटेस्ट सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, भारत बंद का एक कॉल हुआ है और हम लोग अलग अलग राज्यों में भी देख रहे हैं, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, कई जगह, काफ़ी जगह भारत बंद है, जैसे आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, अलग अलग ज़िलों में ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं। इस प्रोटेस्ट के अंदर बसपा के साथ साथ भीम आर्मी भी मौजूद है कई ज़िलों में, कई ज़िलों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोर्ट के निर्णय के चलते एससी एसटी वर्ग के लोगों ने भारत बंद का आह्वान किया है। राजस्थान के भरतपुर में भी इसका असर देखा जा रहा है। सुबह से ही एससी एसटी के लोग बाजार को बंद कराते हुए रैली निकाल रहे हैं। मैं भरतपुर के मुख्य बाजार में मौजूद हूं। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा, देखिए जो बाज़ार है वो पूरी तरह से बंद है। कल जिला कलेक्टर और एसपी के नेतृत्व में एक मीटिंग हुई थी, उन्होंने व्यापारियों से समझाइश की थी कि कल आप बिल्कुल दुकानों को, अपने अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखें। वहीं चप्पे चप्पे पर पुलिस अलर्ट है और जिला प्रशासन अलर्ट है और चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों को तैनात कर रखा है। एससी एसटी आरक्षण के वर्गीकरण के विरोध में आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। इसके तहत डीडवाना भी पूरी तरह से बंद है, आप देख सकते हैं डीडवाना के बाजार बंद है और दलित संगठनों के लोग जो है वो बाजार में रैली निकाल रहे हैं और बाजार चारों तरफ से बंद है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो रैली है उसमें पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मौजूद है। दलित संगठनों का जो आक्रोश है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वो मानने को तैयार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को जो है अपना फैसला बदलना होगा। भारत बंद का असर बूंदी में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एसटी संगठन से जुड़े लोग शहर में रैली निकाल कर दुकानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं इस समय इंदिरा मार्केट में मौजूद हूँ। आप मेरे जस्ट पीछे देखेंगे कि किस तरीके से जो शहर है उसकी दुकानें पूरी तरह से यहाँ पर बंद दिखाई देगी और जगह जगह पर जो विभिन्न जो व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं उन पर ताले दिखाई देंगे। वहीं मैं आपको बता दूं कि चप्पे चप्पे पर जो है बूंदी में जगह जगह पर पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है, मोबाइल यूनिट जगह जगह पर घूम रही है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि लगातार प्रदर्शनकारियों पर निगाहें बनाए हुए हैं, असामाजिक तत्वों पर निगाहें बनाए हुए हैं, किसी प्रकार का कोई कानून व्यवस्था हाथ में लेता है तो उसको सख्ती से निपटा जाएगा। पे जो बसें चल रही थी सुबह से 10 बजे करीब इन बसों को बंद किया गया है निर्णय के अनुसार और 1 बजे तक बंद रहेगी। अगर 1 बजे बाद में जो स्थिति प्रशासन की और आरक्षण समिति की किन बातों पे सहमति बनती है और क्या प्रतिक्रिया रहती है शहर में, उसी को लेकर आगे का निर्णय लिया जाएगा और तभी सारी स्थिति क्लियर हो पाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर क्रिमिनलियर को आरक्षण में कोटा देने के विरोध में टोंक में भारत बंद के तहत ये रैली निकाली जा रही है, जिसके अंदर देख सकते हैं आप कि महिला पुरुष जो है तमाम लोग हाथों में भीमराव अंबेडकर का, जय भीम का जो है झंडा लेकर आगे बढ़ रहे हैं और अब ये मुख्य बाजार होते हुए जो है राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे और
आप देख सकते हैं कि जो है जय भीम बाबा साहेब के नारे लग रहे हैं और ये काफिला जो है मुख्य बाजार होते हुए आगे बढ़ेगा, कलेक्ट्रेट तक पहुंचेगा। सभी जो इस रैली में शामिल हैं उनके हाथों के अंदर जो है जय भीम के झंडे हैं। तजामात की अगर बात की जाए तो स्कूल कॉलेज बंद है, रोडवेज की बसें बंद है, व्यापार संघ ने भी जो है दुकानें बंद रखी है, उस सूरत में जो है इस बंद को अपना समर्थन दिया है। आरक्षण को लेकर दलित संगठनों का बंद का आह्वान है, पूरे देश में इसका असर देखा जा रहा है। मौजूद है हम धौलपुर रोडवेज बस स्टैंड है, रोडवेज के जो पहिए हैं पूरी तरह से थम चुके हैं। हालांकि जो यूपी की हरियाणा की अन्य गाड़ियां आ रही हैं, सवारियां यहां बैठी हुई हैं, सुबह से इंतजार कर रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। इनसे चार घंटे हो गए लेकिन अभी तक इन लोगों को यहां पर बस नसीब नहीं हो पाई है। निर्णय जो रोडवेज प्रबंधन है इसीलिए लिया है कि कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं हो। रोडवेज का ये निर्णय है कि यहाँ पर जो बस है उनके पहिए थमे हुए हैं, लेकिन इससे जो आवाजाही है, जो आमद रफ्त है, पूरी तरह से यहाँ पर बंद है और सवारियों को भारी परेशानी हो रही है। एससी एसटी आरक्षण वर्गीकरण को लेकर आज पूरे देश में जहाँ बंद का आह्वान किया गया है, तो वहीं बात करें सीकर जिले की तो सीकर में भी कई व्यापारिक और सामाजिक संगठनों ने भी सीकर बंद को जो है समर्थन दिया है। इसी के तहत जो आज सीकर शहर पूरी तरह से बंद है, आज सुबह से ही आपको बताना चाहूँगा सीकर शहर के जो पूरे बाजार है वो पूरी तरह से बंद है। वहीं जो है व्यापारिक संगठनों और सामाजिक संगठनों ने भी जो एससी एसटी वर्ग की ओर से जो बंद का आह्वान किया है उसको समर्थन दिया है। इसके साथ ही जिला प्रशासन की ओर से भी आज जो है सरकारी और निजी जो शिक्षण संस्थान है उसमें जो है अवकाश घोषित किया गया है। वही सीकर शहर के इस समय हम जाट बाज़ार में हैं जहां पर बड़ी संख्या में एससी एसटी वर्ग के लोग सहित अन्य व्यापारिक और सामाजिक संगठनों के लोग भी यहां लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और सुबह से जो है मुख्य जो बाज़ार है उनको बंद करवा कर अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध एससी एसटी समाज का आज भारत बंद का आह्वान है। ऐसे में बाड़मेर अम्बेडकर सर्किल पर जो दलित संगठनों के लोग हैं वो बड़ी संख्या में एकत्रित हो रहे हैं। थोड़ी देर में यहाँ पर जुलूस शुरू होगा जो बाड़मेर शहर के मुख्य मार्गों से गुजरता हुआ बाड़मेर के जिला कलेक्ट्रेट पहुंचेगा। दलित संगठनों के आह्वान पर जो आरक्षण बचाओ रेल बंद का आह्वान किया गया है उसके तहत ग्वालियर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और ये आप देख सकते हैं कि ये पुलिस बल जो है रिजर्व रखा गया है कंट्रोल रूम में, और ये इसलिए रखा गया है कल ताकि सुरक्षा व्यवस्था के लिए पूरा ध्यान रखा जा सके। और ये चूँकि 2018 में यहाँ एक इसी प्रकार के बंद का आह्वान किया गया था और उस समय चूँकि बड़ी हिंसा हुई थी, दो लोगों की हत्या हो गई थी, कर्फ्यू लगाना पड़ा था, आंसू गैस के गोले छोड़ना पड़े थे और उसके बाद पूरे उत्तरी मध्य प्रदेश में यह हिंसा भड़क गई थी। इसलिए आज इस बात की खास ध्यान रखा गया है कि सुरक्षा व्यवस्था किसी भी तरीके से कमज़ोर ना पड़े। ये रिजर्व फोर्स रखा गया है कि कहीं से भी अगर कोई सूचना प्राप्त होती है तो फोर्स तत्काल वहाँ पहुँच सके। इसके अलावा जगह जगह पिकेट लगाए गए हैं। अभी जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम के हिसाब से अब जो झलकारी बाई की प्रतिमा है वहाँ इकट्ठे होंगे और वहाँ से एक जुलूस के स्कूल में कलेक्ट्रेट जाएंगे और वहाँ ज्ञापन देंगे। अभी आह्वान शांतिपूर्वक ही है लेकिन पुलिस चूँकि पिछले उससे सबक लेते हुए पूरी इस बात का तैयारी में है कि कहीं से किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित हो जाती है तो तत्काल उस पर कैसे कार्रवाई की जा सके कि उसके लिए भी पूरी तैयारी यहाँ की गई है और ताकि किसी प्रकार से किसी प्रकार की इस प्रकार की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। कंट्रोल रूम में रिजर्व फोर्स भी रखा गया है, सारे बड़े अधिकारी लगातार इस पर निगाह बनाए हुए हैं और अभी तक किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना का समाचार नहीं मिला। आज जो है भारत व्यापी बंद का आह्वान किया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले सुनाए हैं उसे लेकर और जो तमाम लोग हैं वो बंद कराने निकले थे, इनसे हम बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर ये क्या वजह है। सर आप लोग बंद कराने निकले हैं क्या मामला है? देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश आया है उसमें एसटी एससी जो समाज है उसके लिए आरक्षण में जो क्रिमिनल लेके जो है माने समाज के अंदर एक दूसरी समाज का
पार्ट टू बना के जो भेजा है, जिससे समाज में आक्रोश है। इसी कारण जो है पूरे बस्तर के साथ साथ हमारे कांकेर जिला और पूरे भारत में भारत बंद का आह्वान जो है हमारे समाज ने किया है। और निश्चित रूप में इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय और साथ साथ हमारे जो लोकसभा है और जितने हमारे सांसद हैं, वो सारे सत्ता पक्ष के जो नेता हैं, लीडरशिप है, वो सारे लोगों को इस संबंध में विचार करना चाहिए और पुनः जो है संविधान लाना चाहिए इसका बदलने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो है लोग अब उतर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो सत्ता पक्ष के नेता है, इन लोग क्या कर रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन आ रहा है, क्या प्रस्ताव ले रहे हैं, इसको हम लोग अब तो एक दिन का भारत बंद के आह्वान किए हैं। अगर कहीं ऐसा प्रस्ताव लाते हैं कि हमारे समाज को फूट डालने का जो रणनीति है, हमको षड्यंत्र रच के हम खत्म करने का जो रणनीति चला रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो हम आंदोलन करेंगे। आपका क्या कहना है? अब मेरा भी वही कहना है कि सत्ता पक्ष का जो ये निर्णय है, ये जल्द से जल्द खत्म किया जाए, नहीं तो आज तो ये टेलर है, इसके बाद और लड़ाई रहेगा। लड़ाई रहेगी। चलिए कुछ लोगों से और बात करते हैं। आप जो है सुबह से बंद कराने के लिए, क्या स्कूल संस्थान वगैरह में सब बंद करा रहे हैं? क्या है, हमारे ही समाज के लोग स्कूलों में अपने बच्चों को छोड़ते हैं, और यदि वो बच्चों को छोड़ने के बाद यदि चले जाते हैं और बीच में किसी प्रकार की कुछ भी अनहोनी होती है, तो उसको सावधानी बरतते हुए स्कूलों को बंद कराने का हम प्रयास कर रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं सभी अधिकारियों से कि किसी भी तरीके से कोई भी जनहानि ना हो और यह आंदोलन शांतिपूर्वक पूरे कांकेर में, पूरे छत्तीसगढ़ में और पूरे भारत में संचालित हो। अभी जिस तरह से परिवहन सेवा भी बंद है, काफी संख्या में दुकानें बंद है, शहर में जो है पूर्णतः तालाबंदी हो चुकी है, बंद की स्थिति है, क्या इससे कुछ नियमों में परिवर्तन हो सकता है, लोगों की मांग जो है वो सुनी जा सकती है? ये जन भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है और सभी के जो अस्तित्व का मामला है एक तरह से, और चूँकि STSC के अधिकार को छीनने का प्रयास किया जा रहा है, इसके लिए पूरे भारतवर्ष में सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों ने स्वस्फूर्त बंद को समर्थन दिया है। आपको दिख रहा है स्कूल कॉलेज के लोगों ने भी पहले से ही कह दिया था कि हम जो है स्वस्फूर्त बंद करेंगे, और पूरे लोगों का समर्थन जो है इस भारत बंद को प्राप्त हुआ है, और ये सभी जो है धन्यवाद के पात्र हैं। सभी लोगों ने जो है इस समाज के प्रति अपनी आस्था दिखाई है और इनको सहयोग किया है, इसके लिए हम सभी को धन्यवाद देते हैं। देखिए, ये थे हमारे साथ जो सुबह से आज बंद कराने निकले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, उसी के तारतम्य में यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हुए और एक दिवसीय भारत बंद का आह्वान किया है, और सुबह से सब लोग घूम घूम कर जो है प्रतिष्ठाने देख रहे हैं ताकि बंद है कि नहीं। हालांकि जो यहाँ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स है कांकेर के, उन्होंने सुबह 5 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक अपना समर्थन दिया है। इसके अलावा जो स्कूल कॉलेज है उसे बंद कराने की तैयारी